Hey folks, welcome to Digimento Education. I'm your course instructor Utkarsh Upadhyay. This is Electronic Devices and Circuits Lecture 15. Hopefully you must have gone through all the concepts that I covered before in the past lectures, from lecture 1 to lecture 14, and are well versed with the concepts. Okay, so if you really like the video, please hit the like button, share and subscribe to our channel and write down your comments below in the comment section. We will help you out with those problems. So in the last lecture, we ended our discussion with the derivation. We ended a discussion with the derivation of the contact potential or the built-in potential when the PN junction diode is formed, when P-type and N-type semiconductors are diffused together to form a PN junction. Okay. सो अगला जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं डायोड के बारे में वो है आपका चार्ज इक्वालिटी इक्वेशन. चार्ज इक्वालिटी इक्वेशन ये कहता है कि डिप्लीशन रीजन में पीएन जंक्शन के अबाउट डिप्लीशन रीजन में जो चार्जेज टोटल नंबर ऑफ चार्जेज जो प्रेजेंट हैं वो इक्वल रहेंगे दोनों ही पी साइड और एन साइड में. यानी कि मतलब यह है जैसे मान लो कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है. लेट्स से दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज पी एंड दिस इज एन. तो मान लो कि ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस होंगे, नेगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे. ओके, यहाँ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे. तो कहने का मतलब ये है, चार्ज इक्वलिटी ये बताती है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है पीएन जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन में टोटल चार्ज विल रिमेन द सेम. सो इन दिस केस कह सकते हैं द टोटल नेगेटिव चार्ज, द टोटल नेगेटिव चार्ज एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन, about PN junction are same. Okay. So अब हम देखते हैं कि total negative charge कितना है. So total negative charge on P side. ठीक है. Total charge कितना हो जाएगा. Let's say this will be negative minus Q into Na will be equal to total number of atoms per centimeter cube. Per centimeter cube ko hatane ke liye we have to multiply with area and WP. Understand? This is basically a total charge which is present on the P side, total negative charge present on the P side. And what will be the positive charge on N side will be equal to plus Q into ND into A into WN. This will be coulomb. So magnitude of the negative charge, so negative charge will be equal to the positive charge. Total negative charge will be equal to total positive charge. ठीक है. This is basically your WP and this is basically equal to WN. ठीक है. सो अगर मैग्नीट्यूड देखें तो Q into Na into WP into area will be equal to Q into ND into WN into A. सो फ्रॉम हियर Q से Q कैंसिल हो गया, आपका एरिया से एरिया कैंसिल हो गया. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, Na into WP इज इक्वल टू ND into WN. दिस इज चार्ज इक्वालिटी इक्वेशन दैट यू शुड नो. सो कहने का मतलब ये है, चाहे कुछ भी केसेस हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा पी एन जंक्शन का, बिकॉज सेम एरिया क्रॉस सेक्शन के आपके पी और एन साइड के रीजन्स डिफ्यूज किए जाएंगे तभी पी एन जंक्शन डायोड प्रॉपर बनेगा. ठीक है. लेट्स जस्ट सॉल्व सम ऑफ द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट दैट आई हैव कवर्ड सो फार. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. इसमें अ स्टेप ग्रेडेड सिलिकॉन डायोड हैविंग एनडी इज इक्वल टू 500 टाइम्स ऑफ एनए एज एक्सेप्टेड इंप्योरिटीज टू एन एक्सटेंट ऑफ 2×10⁸ एट रूम टेम्परेचर, फाइंड इट्स कॉन्टैक्ट पोटेंशियल अज्यूमिंग दिस. ओके, सो अब हमें पता है कि जो एनए होता है, एनए हम कैसे निकालेंगे, हमें ये एनए नहीं दे रखा, 2×10⁸ एक्सटेंट पर सेंटीमीटर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है.
2 इंटू 10 पावर 8 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अ स्टैक्ड सिलिकॉन डायऑक्साइड हैविंग एनडी इज इक्वल टू 500 टाइम्स एनए एज एक्सेप्टन इंप्योरिटीज टू एन एक्सटेंट ऑफ 2 to 10 to the power 8 एट रूम टेम्परेचर, फाइंड इट्स कॉन्टैक्ट पोटेंशियल अज्यूमिंग एनआई इज दिस। सो हम एनए निकाल लेते हैं। एनए कैसे निकलेगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 5 × 10⁻²² पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटू एन एक्सटेंट ऑफ 2 to 10⁸, इतनी डोपिंग की गई है, 2 to 10⁸ रेशियो की डोपिंग की गई है। सो एनए जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻¹५ पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी योर एनए। ठीक है, वंस वी हैव गॉट एनए वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनडी। एनडी इज बेसिकली 500 एनए, और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्टेप ग्रेडेड है। स्टेप ग्रेडेड डायोड मतलब क्या होता है, एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 500 × 10⁻¹५ पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी योर एनडी। सो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल वी ओ इज इक्वल टू वी टी एल एन एन ए एन डी बाय एन आई स्क्वायर। ओके, वी टी रूम टेम्परेचर पे 26 mV बाई डिफॉल्ट आपको कंसिडर करना है, वैसे होता है 0.259 वोल्ट होता है, तो 26. हम फॉर कन्वीनियंस के लिए हम लोग 26 mV ले लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी 10⁻¹५ इंटू 500 इंटू 10⁻¹५ अपॉन एन आई स्क्वायर। एन आई कितना है, 1.5 × 10⁻¹० होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे नेचुरल लॉग को अगर खोलोगे, यू गेट इट एज 739 mV, दिस विल बी योर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ओके, अभी क्वेश्चन देखो, अ डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इन एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन सिलिकॉन डायोड आर 10⁻¹⁶ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 5 × 10⁻¹⁸ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। अज्यूमिंग एन आई इंट्रिंसिक एरिया कंसंट्रेशन दे रखा है 5 × 300 केल्विन पे 1.5 × 10⁻¹⁰ पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। वी टी आपको थर्मल वोल्टेज दे रखी है 26 mV एंड परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन एप्सिलॉन एसआई इज 1.4 × 10⁻¹² फैराड्स पर सेंटीमीटर। फाइंड द बिल्ट इन पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है इट इज अनबायस्ड। ओके, नथिंग नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड टू इट। सो वी कैन फाइंड इज इक्वल टू वी ओ इज इक्वल टू वी टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर, इज दैट सिंपल, इज इक्वल टू 26 × 10⁻³ एल एन एन ए 5 × 10⁻¹⁸ 5 × 10⁻¹⁸ इंटू 10⁻¹⁶ डिवाइड बाई एन आई स्क्वायर टू 10⁻¹⁰ होल स्क्वायर। सॉल्व फॉर दिस यू गेट इट एज 0.859 वोल्ट, दिस इज योर बिल्ट इन पोटेंशियल। ओके, नाउ हमें विड्थ निकालनी है, विड्थ कितनी हो जाएगी, हमने डिराइव किया था 2 ε/Q इंटू 1/NA प्लस 1/ND इंटू द बिल्ट इन पोटेंशियल। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इट इज 1.04 × 10⁻²। आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें, काफ़ी तरह अच्छी तरह से चार्ज पता है, 1/5 × 10⁻¹⁸ प्लस 1/10⁻¹⁶16 × 0.859। स्क्वायर रूट को अगर खोलोगे, इफ़ यू सॉल्व फॉर दिस यू गेट इट एज 3.3 × 10⁻¹⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हैं, इज दैट सिंपल। नाउ अब हम अगले कंसेप्ट पे जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ वी स्टडीड अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट कॉल्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। नाउ इन दिस केस दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम, नाउ द डायोड will not be in equilibrium because we are applying an external bias to it. Biasing का मतलब हो गया कि हमने कोई external potential लगाया है। ठीक है, ये PN junction diode है। ओके, इसमें reverse biasing का मतलब है कि जो आपका P side है, this is N side, P side पे हम लोग negative potential लगाएंगे and N side में हम लोग positive potential लगाते हैं। So this will be your reverse biasing. रिवर्स बायसिंग में इन जनरल बाय डिफ़ॉल्ट हम कंसिडर करते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन बहुत छोटी करंट फ्लो करती है, विच इज़ बेसिकली अ लीकेज करंट, विच ऑल्सो नोन एज लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, विच इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द जर्मेनियम डायोड एंड लेस प्रोमिनेंट इन द
सिलिकन डायोड. ओके, आपका जर्मेनियम डायोड में वो माइक्रो एम्पियर्स में आता है और सिलिकन डायोड में वो नैनो एम्पियर्स में आता है. ये चीज़ ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. सो रिवर्स, इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कुछ ऐसे फ्लो करेगी विच इज़ बेसिकली रिवर्स सैचुरेशन करंट. आई नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल सकते हो या फिर लीकेज करंट. एंड दिस लीकेज करंट इज मेक्स अ डायोड अनस्टेबल बिकॉज लीकेज करंट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. सो फॉर एवरी 1 degree राइज इन टेम्परेचर लीकेज करंट इंक्रीजेज बाय 7%. ओके, सो इसलिए अनस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी आपके ये सर्किट में कॉज कर सकती है. सो वेन पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, when p-n junction is reverse biased, the width of the depletion region increases. ठीक है, now मैं आपको explain करता हूँ कि क्या होता है. जैसे मान लो ये p-n junction है when it is in equilibrium. ठीक है, let's say this is your depletion region, this is basically p side, this is n side, और p side में यहाँ negative ions होंगे. लेट्स से दिस इज योर पॉजिटिव आयंस, दिस इज पॉजिटिव आयंस. यहाँ पे होल्स आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. एन साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स. होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. दिस इज व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, व्हेन नथिंग, नो बायसिंग इज कनेक्टेड टू इट. और यहाँ पे there will be a built-in potential, this is VO, and the electric field intensity is built-in electric field intensity is in this particular direction. Now अगर हम biasing apply करते हैं, biasing हमने अब apply कर दी, मान लो कि अगर this is basically a p-n junction, this is p side, this is n side, p side को हम negative potential देते हैं और positive potential हम देते हैं n side को. हमने यहाँ पे external voltage दिया, let's say V का हमने external voltage दिया. अब ये क्या करेगा कि सिंस नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो बेसिकली, अब देखो मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल जो है आपके एक्सटर्नल वोल्टेज का, वो क्या करेगा, होल्स को तो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विच आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को वो रिपेल करेगा. अब चूंकि होल्स को खींच रहा है तो होल्स विल बेसिकली फील द अट्रैक्शन. जैसे मान लो कि ओरिजिनली आपका डिप्लीशन रीजन ये है, दिस इज बेसिकली योर डिप्लीशन रीजन. जैसे मान लो ये प्लस है, दिस इज प्लस. ओके, यहाँ पे होल्स आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. अभी क्या होगा, लेट मी रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन द चार्ज कैरियर्स. अभी नेगेटिव टर्मिनल जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को या आपके होल्स को अट्रैक्ट करेगा इधर. सो होल्स विल बेसिकली फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, और जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो बेसिकली विल बी रिपेल्ड, मतलब टुवर्ड्स द जंक्शन, दे विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन. तो आपके ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, लेट्स से द इलेक्ट्रॉन्स विच माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन द पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन जंक्शन की तरफ मिलेगा सो दैट दे कैन ईजिली क्रॉस द जंक्शन, जंक्शन को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, और यहाँ पे होल्स को आपको रिपल्शन मिलेगा. तो इन सब से क्या होगा, आपकी देखो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दे आर बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो इसका मतलब है कि जंक्शन विड्थ आपकी इंक्रीज कर जाएगी. तो नेट रिजल्टेंट जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो आपका पी एन जंक्शन है और जो आपके होल्स हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द टर्मिनल. सो आपकी जंक्शन विड्थ, डिप्लीशन विड्थ वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी और चौड़ी हो जाएगी. ठीक है, आपकी डिप्लीशन विड्थ और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी. तो आपकी पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायसिंग में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो यहाँ कुछ होल्स बचे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे और कुछ होल्स होंगे.
ठीक है. सो आप देख सकते हो कि नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना था, नेट पोटेंशियल वाज वी ओ. लेकिन जब बायसिंग अप्लाई करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी. दिस विल बी सम जंक्शन, दिस इज नोन एज अ जंक्शन पोटेंशियल. वी जे विल बी इक्वल टू जंक्शन पोटेंशियल. वी जे विल बी इक्वल टू वी ओ प्लस मॉड वी आर बी. ठीक है, वी आर बी इज द रिवर्स बायस वोल्टेज, एक्सटर्नल रिवर्स बायस वोल्टेज दैट इज अप्लाइड. ठीक है, सो ये आपका, लेट से मान लो कि यहाँ इनिशियली विर्थ डब्ल्यू वन है, लेट से यहाँ पे जो विर्थ डब्ल्यू टू हो गई, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू टू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू वन. अंडरस्टैंड? सो इसमें लीकेज करंट होगी, करंट हम बाय डिफॉल्ट जीरो जीरो मानते हैं कि जीरो करंट फ्लो करेगी, लेकिन सिर्फ अगर हम प्रैक्टिकली कंसिडर करें, दे विल बी द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन. सो एक करंट जो कि बहुत छोटी सी करंट, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, विच इज़ नोन एज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट. आई नॉट करंट फ्लो करेगी, दैट इज ओनली ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. होल्स आपके जंक्शन को क्रॉस करेंगे फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स आपके जंक्शन क्रॉस करेंगे फ्रॉम पी साइड टू एन साइड. दे विल कंस्टिट्यूट अ करंट विच इज नोन एज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट, विच इज अ वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-12 और -13. बहुत छोटी करंट होगी. बाय डिफॉल्ट अगर कुछ दे नहीं रखा उसके बारे में, वी विल कंसिडर इट टू बी इक्वल टू जीरो. ई नेट जो होगा, लेट्स मान लो कि यहाँ पे ई वन है, सो आप देख सकते हो कि जो ई नेट है, ई नेट विल बी ग्रेटर देन ई वन. तो इससे क्या हो गया कि पोटेंशियल बैरियर आपका इंक्रीज कर गया, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन. ठीक है, सो यू कैन से दैट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल वोल्टेज टर्मिनल्स, towards the external voltage terminals, okay, and minority charge carriers are repelled towards the PN junction constituting a very small current which is reverse saturation current. Okay, तो जैसे मान लो कि initially potential barrier कुछ इस तरीके से था. This is a potential barrier for the, let's say, P side, this is N side. This is a potential barrier for the holes to cross the junction. मान लो कि ये आपका इनिशियली द बिल्ट इन पोटेंशियल ये था, तो यहाँ पे होल्स है, मान लो ये आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. लेकिन जब हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करेंगे तो आपकी नेट पोटेंशियल बैरियर विल इंक्रीज, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा और आपका विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगा. सो जो नेट पोटेंशियल बैरियर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बाद में, जब हमने पोटेंशियल, सो आपका पोटेंशियल बैरियर दिस इज इंक्रीज बाय वी रिवर्स बायस. सो जंक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वी ओ प्लस वी आर बी. मैग्नीट्यूड लेके चलना है आपको. ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स. सो इस केस के अंदर जो कि विड्थ होगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वी ओ प्लस वी आर बी हो जाएगा. ठीक है, आपकी जो विड्थ होगी, डिप्लीशन रीजन विड्थ जो होगी, दैट विल प्रोपोर्शनल टू वी ओ प्लस वी आर बी. एज वी नो इट इज प्रोपोर्शनल टू वी जे. हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉकिंग बायस. ओके, इसको हम ब्लॉकिंग बायस भी कहते हैं. अंडरस्टैंड? ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉकिंग बायस, बिकॉज इट्स ब्लॉकिंग द करंट फ्लो. ठीक है, सो आई नॉट इन जर्मेनियम डायोड is greater than I naught in silicon diode. That's why silicon diode is more stable than germanium diode. This is in basically in micro amperes. This is in nano amperes. ये ध्यान रखने वाले हैं. That's why silicon diode is more stable, or you can say thermally stable, more thermally
more thermally stable than germanium diode. Okay, so I naught increases by 7% for every 1 degree Celsius rise in temperature. ठीक है, this is basically I naught T2. मैंने expression पहले ही बता चुका हूँ, I naught T1 2 to the power T2 minus T1 upon 10 and doubles for every 10 degree rise in temperature. ठीक है, where T2 is greater than T1. Understand? So it's basically a reverse current बोल सकते हो. And width of the depletion region, इसकी equation क्या हो जाएगी, 2 epsilon by Q 1 by Na plus 1 by Nd into Vo plus Vrb. Understand? This will be your, and this is, you have to consider the magnitude of it. Or you can say that 2 epsilon by Q into 1 by Na plus 1 by Nd into Vj. This is your width equation. Now, what, how will you draw the electric field intensity across the junction? Iska plot kaisa hoga? Let's just have a look at that. Ab yahan pe electric field intensity ki jo magnitude hai, wo kafi zyada badh gayi hai as compared to when it is in equilibrium mode. Okay? ठीक है, this is plus minus Vj. This is P side, this is N side. तो आप देखते हैं electric field intensity कैसे दिखाई देगी. This is zero. और electric field intensity will be maximum, यहाँ पे zero रहेगा, will be maximum at the junction. और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. This is basically your E maximum. This is for PN junction. NP junction होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, resultant electric field intensity ज़्यादा होगी. Okay, as I already told you. So जो E max होगा, that will be equal to minus Vj upon W by 2. So minus 2 Vj by W, or you can say it's minus 2 times of Vo plus V reverse bias voltage upon W. This is your Emax. This is the maximum electric field that exists across the junction. Okay. Now let's have a look at the exam, at some at an example based on the concept that I have just told you. Now example dekhte hain. When a silicon diode having a doping concentration of Na is equal to 9 into 10 to the power 16 atoms per centimeter cube and Nd 10 to the power 16 atoms per centimeter cube, the total depletion width is found to be 3 micrometer. The diode is reverse biased. Assume epsilon Si 1.044 de rakha hai. Find the depletion width on the P side. हमें WP निकालनी है, वी नीड टू फाइंड आउट WP. कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन व्हेन द डायोड इज इन इक्विलिब्रियम. सो वी नो दैट WN प्लस WP इज 3 माइक्रोमीटर. ओके, वी नो दैट इट इज 3 माइक्रोमीटर. WN प्लस WP इज 3 माइक्रोमीटर, विच इज W बेसिकली. ओके, सो फ्रॉम हियर वी नो बाय फॉलोइंग द चार्ज इक्वालिटी इक्वेशन, वी हैव ND इनटू WN इज इक्वल टू WP इनटू NA. चार्ज इक्वालिटी की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट एंड यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन से द डब्ल्यू पी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन डी डिवाइड बाय एन डी प्लस एन ए. मैंने इसको डराइव भी किया था. सो डब्ल्यू पी विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 16 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 16. ओके, सो को सॉल्व करोगे तो वी गेट डब्ल्यू पी इज इक्वल टू 0.3 into 10 to the power 6 minus 6 WP will be equal to 0.3 micrometer. इसको सॉल्व करते हैं, WP हमें ये मिल जाएगा. ठीक है, now we need to find out the maximum electric field intensity. Maximum electric field intensity हम लोग Poisson's equation use कर सकते हैं because epsilon ऐसे ही हमें दे रखा है. So this will be epsilon naught into epsilon r into Na into WP. WP already nikal rakha, so why don't we use that? So this will be minus 1.6 into 10 to the power minus 19. Negative sign isliye diya gaya because electric field ki maximum value will be negative. Epsilon naught into epsilon r hume epsilon si ka de rakha hai, which is 1.044 into 10 to the power minus 12. Okay, Na hume Na kya de rakha hai? Na is 9 into 10 to the power 16, 9 into 10 to the power 16, and
WP हमने निकाला है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 into 10 to the power minus 6. Okay, so maximum electric field intensity, if you solve, you get it as 4.1 into 10 to the power minus 5 volt per centimeter. This is basically your maximum electric field intensity that exists across the junction. Okay. Now let's move on to another concept, that is basically, now we basically reverse the polarity of the external potential that is connected across the p-n junction diode. That connection is known as a forward biasing of the diode. Forward biasing mein basically kya hota hai ki jo aapka jaise maan lo p-n junction diode hai, this is p side, this is n side. पी साइड में बेसिकली हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल को लगाते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग एन साइड में लगाते हैं. एंड वी यूज अ लिमिटिंग रेजिस्टर, करंट लिमिटर रेजिस्टर, व्हिच इज बेसिकली लेट्स से सीरीज रेजिस्टर, यू कैन से आरएस. एक सीरीज रेजिस्टेंस भी यूज होता है व्हिच इज बेसिकली करंट लिमिटर. वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस द पी एन जंक्शन डायोड. दैट्स व्हाई इसका मेन काम वही होता है, ये रेजिस्टर आरएस का मेन काम वही होता है. ठीक है, this is external potential which is called as V. This is, let's say this is plus minus VR, and this is basically your VD. Okay, this is, let's say, is equal to VD. VD is the diode voltage. So if you apply the KVL in this case, this is KVL in this case, so V is equal to VR plus VD. And V, let's say isme jo current flow kar rahi hai wo hai IF current flow kar rahi hai. ठीक है, आई एफ इज बेसिकली द फॉरवर्ड करंट इज एन एनोटेशन. सो वी विल बी इक्वल टू वी आर विल बी इक्वल टू आई एफ इन टू आर एस प्लस वी डी. दिस इज द एक्सटर्नल वोल्टेज. ओके, नाउ इसमें देखते हैं कि इसमें क्या अफेक्ट पड़ता है चैनल विड्थ पर और कैसे इसमें करंट फ्लो करती है. ओके, नाउ इनिशियली मान लो कि हमने कोई भी बायसिंग अप्लाई नहीं करते हैं. इफ वी डू नॉट अप्लाई एनी बायसिंग अक्रॉस द डायोड, सो जैसे मान लो कि ये आपका पी एन जंक्शन है, this is p side and this is basically your n side. These are the immobile ions which are present here. Let's say mallo vo is basically the built in potential. Yahan pe holes aapke majority charge carriers honge, electrons aapke minority charge carriers honge. This is p side, this is your n side. Electrons will be the majority charge carriers across the junction, holes will be the minority charge carriers. theek hai, now jab hum external potential koi apply karte hain, मान लो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया, जैसे मान लो डिप्लीशन विड्थ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिप्लीशन विड्थ को मैं यहाँ पे दो चार्जेस के थ्रू बता रहा हूँ. मान लो कि ये आपका डिप्लीशन विड्थ है. ओके, ये आपकी ओरिजिनल डिप्लीशन विड्थ है व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायोड. सो लेट मी रिमूव दैट इंटरनल पार्ट जो मैंने डिज़ाइन किया अभी बनाया था. लेट मी यू रिमूव दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, सो इनिशियली आपका डिप्लीशन रीजन कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ठीक है, नाउ जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मान लो कि हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया कुछ रेजिस्टेंस आरएफ के साथ. ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल विच इज अप्लाइड. मान लो कि वी हमने अप्लाई किया, दिस इज बेसिकली योर पी साइड, दिस इज बेसिकली योर एन साइड, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस आरएस. ठीक है, अभी क्या होगा, सिंस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पी साइड में कनेक्ट किया है, इससे क्या होगा कि जो आपके होल्स होंगे दे विल बी रिपेल्ड टूवर्ड्स द जंक्शन. मतलब क्या हो रहा है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को बेसिकली रिपल्शन मिल रहा है, दे आर एक्सपीरियंसिंग द रिपल्शन एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन. ऐसी इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल की वजह से एन साइड में दे विल बी रिपेल्ड टूवर्ड्स, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दे विल रिपेल्ड टूवर्ड्स द जंक्शन. ओके, तो ये बेसिकली आपका सर्किटरी है. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली क्रॉस द, सो द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैन ईजिली क्रॉस दिस पर्टिकुलर जंक्शन. मतलब आपके होल्स कैन ईजिली क्रॉस द जंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली क्रॉस द जंक्शन. तो जो करंट कंस्टिट्यूट होगी, जो करंट, सो दे विल कंस्टिट्यूट अ करंट विच इज नोन एज अ फॉरवर्ड करंट एंड दिस करंट विल बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड. सो इलेक्ट्रॉन्स ये इस जंक्शन क्रॉस करके फिर एक इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेंगे, करंट इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे फ्लो करेंगे फिर यहाँ पे आएंगे. सो यहाँ पे एक फॉरवर्ड करंट आपकी फ्लो होगी. अब चूंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर बीइंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर बीइंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन, सो डिप्लीशन विड्थ जो है, नेट डिप्लीशन विड्थ जो है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी.
सो आपकी बायसिंग अप्लाई करने के बाद आपकी जो डिप्लीशन विड्थ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. दिस विल बी योर डिप्लीशन विड्थ. ठीक है, दिस इज योर जंक्शन पोटेंशियल. ठीक है, नेट डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज हो जाएगी एंड द करंट विच इज कंस्टिट्यूटेड इज कॉज्ड ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. सो और आपकी जो करंट कंस्टिट्यूट होगी दैट इज नोन एज अ फॉरवर्ड करंट. फॉरवर्ड करंट कैसे फ्लो करेगी, दिस इज हाउ इट विल फ्लो. दिस इज बेसिकली योर फॉरवर्ड करंट दैट विल फ्लो अक्रॉस द जंक्शन. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट सम पॉइंट्स हियर. सो नेट डिप्लीशन विड्थ, लेट्स से हियर इज बेसिकली W1, लेट्स से दिस पर्टिकुलर डिप्लीशन विड्थ इज W2, सो W2 विल बी लेस देन W1. दिस थिंग यू शुड रिमेंबर. सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन एंड कैन क्रॉस इट बिकॉज of drifting by the junction potential constituting a forward current okay. This will basically constitute a forward current. Okay, so forward current आपकी flow करेगी and minority carriers are attracted towards the terminals of the external वोल्टेज. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी. मान लो कि यहाँ पे आपकी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे जो करंट पोटेंशियल आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E2 आएगी एंड E2 विल बी लेस देन E1. ओके, E2 विल बी लेस देन E1. सो आपकी नेट पोटेंशियल जो होगी वो इस डायरेक्शन में नहीं होगी, बेसिकली आपकी इस डायरेक्शन में होगी. E2 की डायरेक्शन जो E1 की डायरेक्शन है वो ऐसे है और E2 की डायरेक्शन वो ऐसे होगी. ठीक है, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पोटेंशियल जो हमने एक्सटर्नल लगाया दैट्स मच ग्रेटर देन द बिल्ट इन पोटेंशियल. ठीक है, सो आपका देखो कि इसमें बैरियर हाइट डिक्रीज कर रहा है मेकिंग इट ईजी फॉर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस द जंक्शन. ठीक है, मान लो इनिशियली आपका जंक्शन बैरियर फॉर द होल्स कुछ ऐसे था. ये आपका पी साइड है, दिस इज बेसिकली योर एन साइड, यहाँ पे होल्स हैं. ओके, यहाँ पे नेट जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज बेसिकली योर VO. लेकिन जब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये बैरियर हाइट आपकी डिक्रीज कर जाएगी. कितने से, दिस विल बी योर बैरियर पोटेंशियल and this is basically VJ. This will be equal to VO minus mod VD. Okay, VO minus mod VD. VD is the external voltage applied. ये आपके होल्स हो जाएंगे which will be very easy for the holes to. Now इस केस में आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अब हमने फॉरवर्ड बायसिंग तो अप्लाई कर दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि करंट फ्लो करे. करंट फ्लो करने के लिए आपको मिनिमम एक्सटर्नली बिल्ट इन पोटेंशियल की इक्विवेलेंट वाली वोल्टेज लगानी पड़ेगी, तभी करंट देन ओनली द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. सो इसमें कुछ एनालिसिस है, लेट्स परफॉर्म दिस एनालिसिस है. कुछ तीन केसेस आएंगे दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो इस आपका जंक्शन पोटेंशियल क्या है, VO माइनस मॉड वी डी. ठीक है, सो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, वेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन द बिल्ट इन पोटेंशियल, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी बिकॉज मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द जंक्शन. सो द बैरियर वोल्टेज
will be dominating, and therefore, no majority charge carriers will cross the junction constituting zero current, okay. Second case, when VD is equal to VO, the current, the majority charge carriers will just cross the junction and is mein jo current flow karegi wo bahut hi minimum magnitude ki hogi. Current will just start to flow, theek hai. The effect of barrier, because junction potential will be equal to zero, the effect of barrier, is nullified, and therefore both charge carriers will just start to flow. Across the junction and forward current just passes into the device, or you can say forward current is very small, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड की करंट होगी. थर्ड केस लेते हैं, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द कट, अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन द बिल्ट इन वोल्टेज, ठीक है. सो थर्ड केस जो है, व्हेन इज ग्रेटर देन मॉड वीओ, सो मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स flow across the junction, constituting greater forward current, ठीक है. So now एक particular voltage आती है for a diode which we define as the cut-in voltage, ठीक है. Let's define the cut-in voltage. Cut-in voltage को हम लोग V gamma से भी denote करते हैं. तो ये cut-in voltage क्या है? Let's dive deep into this particular concept. Okay, so cut-in voltage क्या होता है? It's a minimum voltage which is required to function, to make the diode on. ठीक है? Diode को on करने के लिए जो minimum voltage चाहिए होती है, minimum external voltage चाहिए होती है, that's basically referred to as the cut-in voltage. Cut-in voltage is also known as offset voltage or the knee voltage. You can say is also called as offset voltage, or knee voltage. So कौन सी ऐसी, अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जिस पे जो कि चाहिए होती है कि मिनिमम करंट आपकी, फॉरवर्ड करंट आपकी फ्लो करे. दैट्स नथिंग बट योर वीओ. देखो मिनिमम तो आपको वीओ चाहिए होगा ना, कि जिससे करंट फ्लो करना स्टार्ट करे. सो जो वी गामा है, दैट्स बेसिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी डी. डायोड वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू है. सो दैट्स बेसिकली नथिंग बट इक्वल टू वी नॉट. सो वी नॉट जो है बिल्ट इन पोटेंशियल को और भी क्या कहते हैं, इट्स बेसिकली अ कट इन वोल्टेज. सो वी नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कट इन वोल्टेज. सो वी कैन से दैट कट इन वोल्टेज डिक्रीजेज बाय 2.5 मिली वोल्ट फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. सो वी कैन से कट इन वोल्टेज डिक्रीजेज बाय 2.5 मिली वोल्ट फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. ये तो हमने कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है.
दैट्स बेसिकली योर करंट कट इन वोल्टेज. इसमें IF जो होगी वो आपकी मिनिमम करंट फ्लो करेगी इस कट इन वोल्टेज पर. तो ये आपकी कट इन वोल्टेज होती है. ये मिनिमम वोल्टेज एक्सटर्नल पोटेंशियल वोल्टेज होती है जिससे कि करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है. जर्मेनियम डायोड का जो कट इन वोल्टेज होती है दैट्स नियरली इक्वल टू दैट्स इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.5 वोल्ट, टिपिकल वैल्यू बींग 0.2 वोल्ट. एंड सिलिकन डायोड की जो अब कट इन वोल्टेज होती है दैट्स बेसिकली इन द रेशो ऑफ इन द रेंज ऑफ 0.6 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट, टिपिकल वैल्यू बींग 0.7 वोल्ट. 0.7 वोल्ट आपकी टिपिकल वैल्यू है. और अब हमने जो भी पढ़ा है अब हम देखते हैं कि जो आपकी हम जानते हैं कि आपकी फॉरवर्ड करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरवर्ड करंट. फॉरवर्ड करंट की एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं कि फॉरवर्ड करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा. फॉरवर्ड करंट होता है डायोड का IF इज इक्वल टू IS ई टू द पावर VD बाय एटा VT माइनस 1. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरवर्ड करंट. IF इज इक्वल टू IS. IS इज रिवर्स सैचुरेशन करंट ई टू द पावर VD बाय एटा VT. एटा इज बेसिकली अ रिकॉम्बिनेशन फैक्टर. VT इज बेसिकली योर थर्मल वोल्टेज माइनस 1. ठीक है. और बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं. इट विल बी इक्वल टू IS ई टू द पावर VD बाय एटा VT. व्हेन मान ले जब आपका VD बहुत बड़ी वैल्यू लेता है. VD अगर वेरी वेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ई टू द पावर VD बाय एटा VT भी ज़्यादा होगा. तो 1 से तो काफ़ी ज़्यादा होगा. तो वी नेगलेक्ट 1 इन दोज केसेस. VT इज थर्मल वोल्टेज. VT इज थर्मल वोल्टेज एंड VD इज बेसिकली फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड. ठीक है. सो VD शुड बी लेस देन 0.5 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड एंड VD शुड बी लेस देन 0.9 वोल्ट फॉर सिलिकन डायोड. ईटा जो है वो बेसिकली इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन फैक्टर. ईटा जो है वो आपका रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है और यू कैन से इट्स अ यूटिलिटी फैक्टर. आपको ये सिनोनिम्स पता होने चाहिए इसके. ईटा के इज अ रिकॉम्बिनेशन फैक्टर और एक यूटिलिटी फैक्टर. ईटा इज इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम डायोड एंड इज इक्वल टू 2 फॉर सिलिकन डायोड. ईटा इज बेसिकली इक्वल टू 2 फॉर सिलिकन डायोड एंड इज इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम डायोड. सो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको ईटा क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट हम उसको 1 लेके चलते हैं. कोई भी केस में सिलिकन हो चाहे जर्मेनियम हो, तो ईटा को बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 लेके चलते हैं. ईटा इज इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशनड अबाउट इट इन द क्वेश्चन. सो ईटा इज इक्वल टू 1 कैसे लेते हैं. ईटा इज इक्वल टू 1 लेंगे दैट विल बी फॉर लार्जर करंट एंड इज इक्वल टू 2 फॉर स्मॉलर करंट. बाय डिफॉल्ट आपको ईटा इज इक्वल टू 1 कंसिडर करना है. एग्जाम्स में अगर मान लो सिलिकन डायऑक्साइड जर्मेनियम डायऑक्साइड दोनों ही दे रखे हैं और कुछ मेंशन नहीं है ईटा के बारे में, बाय डिफॉल्ट आप उसको 1 कंसिडर करके चलो. सो IS इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट. ठीक है. IS जो है वो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है. ठीक है. आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, आपके रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है. और एक हमने इसका एक्सप्रेशन भी देख लिया कि आई फॉरवर्ड करंट की एक्सप्रेशन कैसे होती है. इट्स बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, होल्स आर इंजेक्टेड from P to N and electrons are injected from N to P. So
that's why forward current is also known as injected majority carrier current, injected majority carrier current बोलते हैं, या फिर इज बेसिकली ड्रिफ्ट करंट. ठीक है, दे आर बेसिकली आल्सो नोन एज ड्रिफ्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट करंट. सो अगर हम देखें कि कंसंट्रेशन क्या होगी मेजॉरिटी चार्ज जो आपके इंजेक्टेड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जंक्शन एज पे, मान लो पी एन जंक्शन ये आपका है, दिस इज बेसिकली योर डिप्लीशन रीजन. ओके, यहाँ पे इमोबाइल आयंस है, नेगेटिव आयंस है, इधर आपके पॉजिटिव आयंस है, इमोबाइल आयंस है. ठीक है, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, मान लो ये होल है, दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन. ओके, इसको फॉरवर्ड बायसिंग से कनेक्ट करते हैं, दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस आर एस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज बेसिकली योर पोटेंशियल अक्रॉस इट, विच इज़ योर वी डी, विच इज़ अ डायोड वोल्टेज. सो अब होल्स जो हैं, चूंकि जब ये देर नाउ इन दिस केस द होल्स आर बेसिकली इंजेक्टेड फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड, पी साइड से एन साइड में इसको इंजेक्शन किया जा रहा है. होल जब ये ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे होल्स की कंसनट्रेशन क्या होगी, लेट्स जस्ट हैव अ लुक. लेट्स से होल्स की कंसनट्रेशन एट दिस जंक्शन वेन देर एंटरिंग इन टू दिस थिंग, लेट्स से इट इज पी एन ऑफ जीरो. और इलेक्ट्रॉन्स जो जब ये एंटर करेंगे, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन पी ज़ीरो. सो पी एन ज़ीरो का जो एक्सप्रेशन आता है, विच यू नीड टू रिमेंबर, इसका डेरिवेशन है बट वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर, विल बी इक्वल टू पी एन ज़ीरो ई टू द पावर वी डी बाय वी टी, एंड एन पी ज़ीरो विल बी इक्वल टू एन पी ज़ीरो ई टू द पावर वी डी बाय Vt, where Pn0 and Np0 are thermally generated hole on n side and electron on p side concentration. Understand? This is, let's say, for x is equal to 0 for holes, and this is x is equal to 0 for electrons. Understand? And where your Pn0 will be equal to Ni square by Nd, and Np0 will be equal to Ni square by Na. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्रॉसिंग द एज of the depletion region depends on the forward voltage across the diode. This is a very important point. Question पूछा जा सकता है कि आप पर depend करता है कि नहीं करता, तो you have to write yes. ठीक है, ओके फोक्स, आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर हियर. होपफुली यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई रियली इंटेंडेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड यू आर प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नुआंस ऑफ इट. ओके, थैंक यू वेरी मच.